सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू उस्मा मेर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम फ्लैट ढूंढने निकले हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे देखे हैं। मैं उसकी वीडियोस आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से कितने रूम्स के फ्लैट देखे, कहाँ कहाँ देखे, तो सारी छोटी छोटी सी क्लिप्स आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम आज फिर निकले हैं फ्लैट देखने, और अभी जो है अबान को मैं ड्रॉप करूँगी अम्मी के घर। अबान जा रहा है, अबान कहाँ जा रहे हो? नानो हाउस। कहाँ जा रहे हो? नानो के घर। तो क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है और जो है इस वजह से अबान को नहीं लेके जा रहे। मास्क का डब्बा मैंने गाड़ी में रखा हुआ है, तो अभी हम मास्क वेयर करेंगे और हम जा रहे हैं अबान को ड्रॉप करने। उसके बाद हम जा रहे हैं एक जगह पे, वहाँ फ्लैट देखेंगे। तो उसकी मैं जगह का नाम तो नहीं बता रही, लेकिन मैं फ्लैट का आपको टूर कराऊंगी। अच्छा जी, अबान अम्मी उज़ैफा भाई शाम में अपने घर वापस जाएगा, जिसमें अबान कौन है अम्मी और उज़ैफा भाई रहते हैं। तो बस अभी जा रहे हैं हम, और मैं फ्लैट का टूर कराऊंगी। 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम लाउंज किचन, इस तरह के जो है उसके एरिया के। तो चले मिलते हैं फिर घर। दिखाती हूँ आपको अबान को ड्रॉप करने के बाद। सो फ्रेंड्स, अभी अबान को हमने अम्मी के घर ड्रॉप कर दिया है, और जो है मैं खुशी खुशी जा रही थी फ्लैट देखने। उसके बाद मुझे इन पे इतना गुस्सा आया, मैंने एक ऐसा काम किया है और चेहरा देखिए, मतलब एक गलती करके इंसान जब है ना अकड़ जाए, इसमें मेरा क्या कसूर? क्या किया मेरा आपने? ये जो हंसी है ना, एक तो गलती करके उसके बाद हंस देता है ना वो, पता है वो मैंने क्या किया? मैं के पास एक ओल्ड USB थी जिसमें इतने पुराने गाने, हम जब भी बाहर निकलते मैं सारे गाने बस स्किप करती रह जाती हूँ कि कोई तो ऐसा गाना आ जाए जो मैं सुन लूँ। उसके बाद मैंने, मुझे खुश करने के लिए कल गए USB ले गए, उसके बाद उन्होंने वो USB में नए सॉन्ग डलवाए। अब मैं समझी उसी USB को अपडेट किया था, तो मैं जनाब ने जो है ना ये USB ले गए, आप इस पर देख सकते हैं नाम अबान लिखा हुआ। ये मेरे इन्होंने ड्रॉअर से USB निकाली, ये दी और इसको पूरा फॉर्मेट करवा के इसमें न्यू सॉन्ग डाल दिए। अब ये जो अबान लिखा है ना, मैंने बचपन से अब तक की अबान की सारी पिक्चर्स की कलेक्शन इस USB में डाली हुई थी। अबान की फर्स्ट बर्थडे की वीडियोस और पिक्चर थी इसमें, और जो कि मैं ने जो है ना फॉर्मेट करवा के न्यू सॉन्ग डाल दिए। अब बताएं मुझे गुस्सा आएगा या नहीं? इतनी सारी USB में सिर्फ उन्होंने ये अबान नाम की USB निकाल के सॉन्ग सुनने का भी दिल नहीं चाहेगा। मैं कुछ बोलेंगे अपनी गलती में? पाकिस्तानी तुलसी। तो खैर गाइज, ये हमने घर देखा था जिसमें एक ड्राइंग रूम था, और ड्राइंग रूम के साथ अटैच बाथ था विद एंट्रेंस गेट था, और ये लाउंज इसका बहुत ही बड़ा था और फुल जो है वॉलपेपर्स लगे हुए थे। थोड़े मुझे पसंद नहीं आए वॉलपेपर का कलर, लेकिन ये था कि बना हुआ घर था, गेट बहुत अच्छा लगा हुआ था, हैवी गेट लगे हुए थे। वरना और हमने फ्लैट देखे तो बस दरवाज़ा लगा हुआ है, गेट भी आपको खुद लगाना है। इसके अलावा इसमें किचन बना हुआ था, वॉलपेपर लगे हुए थे, और सबसे बड़ी बात कि 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग में रूम बड़े बड़े बहुत थे। लाउंज देखें कितना बड़ा है, और किचन बहुत बड़ा है, और इसकी डिमांड थी 65 लैक्स, और ट्रांसफ़र फीस अलग थी, और इसके अलावा और भी फीस थी कुछ अलग, खैर अब मुझे याद नहीं है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि गैस नहीं थी, और गैस जो है अब इस बिल्डिंग को काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन अब तक नहीं थी, कह रहे थे आ जाएगी थोड़ी, लेकिन बिल्डिंग बहुत अच्छी थी।
और गाइस हमने सेकंड फ्लैट ये देखा था जिसकी डिमांड कर रहे थे 55 लाख और ट्रांसफ़र फ़ीस कुछ 2.5% थी। इसके अलावा 2.5% इसकी लीज की फ़ीस थी और जो है 6 मंथ का एडवांस जो है आपको मेंटेनेंस पे करना था। और इन्होंने घर में पर काम करवाया हुआ था, किचन बनवाया हुआ था और आप देख सकते हैं ऊपर छत वत बनवाई हुई थी, काफ़ी अच्छा बनवाया था। किचन में क्लैरिक बनवाया था लेकिन किचन बहुत छोटा है, तो ये घर भी इसकी भी हमारी बात नहीं बनी। और मगर हमें ये जो बिल्डिंग है और ये सब कुछ पसंद आया था माशाल्लाह से। और इस बिल्डिंग में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, 6000 कुछ मेंटेनेंस है, लेकिन ये है कि आर ओ प्लांट इनका अपना लगा हुआ है, आपको पानी वगैरह कुछ बाय करने की नीड नहीं होगी। काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि कॉस्टली भी है लेकिन फैसिलिटीज़ हैं। तो गाइज़ ये वही बिल्डिंग है जो कि मैंने पहले दिखाई थी, जो मैं तुलसी बनी हुई थी, तो ये उसका 7th फ्लोर है। ये घर मुझे बहुत 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 पसंद आया था, मैं उमर के पीछे पड़ गई थी कि मुझे यही घर लेना है। और इसका जो है लाउंज वही मैंने बताया था, बहुत बड़ा है, 2 बेड है लेकिन वो बहुत ही बड़े लग्जरी से बेडरूम्स हैं। और किचन बहुत खुला और बड़ा बड़ा सा है, लेकिन इस बिल्डिंग में थोड़ी वहशत हो रही थी जब हम 7th फ्लोर पर गए तो एक ही एक ही फैमिली आई हुई थी और लाइटें बंद खोल होना शुरू हो गई थी, तो थोड़ी वहशत हुई तो हमने ये छोड़ दिया। ओहो भाई, इस घर के बारे में ना ही पूछो तो बेहतर है। जब इस घर का एड्रेस बताया हमें तो मलीर कैंट से सीधा आ जाए आ जाए आ जाए बोलते रहे, तो मुझे याद आया हम एक दफ़ा फार्म हाउस गए थे, उस फार्म हाउस को भी क्रॉस करके इतना आगे जाके था, लेकिन बना हुआ बड़ा आला था, पूरी कॉलोनी बनी हुई थी, लोग बाकायदा रहने आए थे, लेकिन आसपास कोई भी शॉप्स नहीं थी, मतलब आप फूड पांडा वगैरह किसी से कुछ नहीं मंगवा सकते थे। उन्होंने एटलीस्ट 12 तो डॉग पाले हुए थे जो कि पता नहीं कौन से कहलाते, इतने ख़तरनाक, और दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। लेकिन घर बहुत छोटे हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से इसका इंटीरियर किया हुआ है ना कि दिल आ रहा था इस बिल्ड उस पर फ्लैट्स पे। आप देखें ऊपर से, आपको विंडो से नज़र आ रहा होगा किस तरह का लुक है, ये बिल्कुल कॉलोनी टाइप बनाई हुई थी, बहुत सेफ्टी गार्ड वार्ड सब कुछ रखा था। आबादी होने में इसमें मेरे ख्याल से 10 साल लग जाएंगे इस एरिया में, आई थिंक सो, क्योंकि ये बहुत दूर था। लेकिन ये कि बहुत ही प्यारा बनाया हुआ था इन्होंने घर और अच्छे से का इंटीरियर किया हुआ था ताकि हमारा दिल आ जाए और हम इधर घर ले लें। तो अगर जिनके पास ऐसे फजूल में पैसा होना तो वो ज़रूर यहाँ पे घर लें ताकि पिकनिक पॉइंट बना लें, कभी भी वहाँ जाएं एंजॉय करें। तो लोगों ने वहाँ पे अपने बैंगलोस ख़रीद के ना फार्म हाउस की तरह बनाए हुए थे। एक हम इसी एरिया के बैंगलोर में गए थे तो वो बहुत प्यारा उन्होंने बनाया था, पूरा फार्म हाउस लुक बनाया हुआ था। तो वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते। और ये हम आए थे डायमंड्स के फ्लैट्स बने हुए हैं, बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, 2 बेड 3 बेड 4 बेड 5 बेड ड्राइंग डाइनिंग और बहुत सारे इसमें हमने अंदर अंदर विज़िट किए। 35 का भी था, 25 का भी था, 45 का भी था, 60 का भी था, पीछे बैंगलोस भी थे, किसी में गैस नहीं थी, तो ये जो है मिक्स और मैच हो गया। कोई 70 के भी थे तो अलग अलग था, लेकिन मुझे जो एरिया है बाहर निकलने का आने जाने का वो मुझे पसंद नहीं आया था। और बिल्डिंग में जैसे स्टेयर्स से हम उतर रहे थे तो अंधेरा अंधेरा था, लेकिन ये वाला जो फ्लैट दिखा रहे हैं ना, ये डायमंड के बराबर वाला एक न्यू प्रोजेक्ट बन रहा था, ये कुछ 75 का था और ये बहुत प्यारा था। इसकी जो बाहर से एंट्रेंस है ना, अभी मैं दिखाती हूँ, लाइटनिंग वाइटिंग बहुत अच्छी थी, रूम भी बड़े बड़े और बहुत अच्छा था।
लेकिन जो बाकी डायमंड के हैं ये आ गया। हम बाहर अब जा रहे हैं तो इनकी एंट्रेंस बड़ी प्यारी है, लाइटनिंग, और ये बहुत अच्छा सा बनाया हुआ था और घर भी बहुत अच्छे थे, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी थी। तो ये जो है एक पूरी कॉलोनी बनाई हुई थी डायमंड्स वालों ने, और अपने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए हुए थे जिसमें 2 बेड भी थे, 3 बेड भी थे, 4 भी थे, 5 भी थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने रेट दिए थे। तो अच्छा था, ये ट्यूरो टावर था तो बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मुझे इसका जो बाहर का पोर्शन जो गुजरने का रास्ता है ना वो समझ नहीं आया था, दूर बहुत था। जब घूम रहे हो और खाना पीना ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ड्राइंग रूम, इसका ये भी दरवाजा, किचन बना हुआ है। बस फ्लैट देखते हुए यही हो रहा था। अब जैसे कि इसका किचन बहुत छोटा था, फ्लैट पसंद आ रहा था तो किचन बहुत छोटा था, और बिल्डिंग बहुत पुरानी टाइप की ख़राब सी थी, तो यही हो रहा था। घर देखने जा रहे थे, या तो एरिया पसंद नहीं आता अगर फ्लैट पसंद आता, अगर फ्लैट पसंद नहीं आता तो एरिया पसंद आ रहा था, फिर रेंज में कभी आता कभी नहीं है, तो इसी तरह का ऊपर नीचे हो रहा था। बहुत सारे फ्लैट हमने विज़िट किए, आई थिंक मुझे ये याद नहीं आ रहा, इसने 50 डिमांड की थी और लास्ट वो 48 में दे रहा था आई थिंक, और लेकिन ट्रांसफ़र फ़ीस कुछ 4 लाख थी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, सही तरह याद नहीं है अभी। तो ये अच्छा बनाया था लेकिन किचन बहुत छोटा था और बिल्डिंग ज़रा पुरानी सी थी। और ये हमने एक बैंगलो देखा था, ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में था, और 80 लैक्स का पोर्शन मिल रहा था हमें। तो हमें थोड़ा डाउटफुल हुआ कि वहाँ तो करोड़ों में डिमांड है, इतना सस्ता कैसे पोर्शन देने, और पोर्शन लेने में थोड़ा दिल भी नहीं मान रहा था क्योंकि कहते हैं ना पेपर्स में कोई ना कोई मसला होता है, लेकिन इन्होंने इस तरह से 80 लाख का इस तरह निकाला था। ये एक पोर्शन यहाँ का 40 में बेच रहे थे, ये जो मैं अभी अंदर जा रही हूँ, और एक सेम ही पीछे बैक साइड से रास्ता था वो 40 का, 40-40 करके 80 लाख में ये ऊपर का पोर्शन सेल हो रहा था। बहुत ही इसमें काम आ रहा, बहुत ही काम था, बहुत ही बड़ी बेदर्दी से यूज़ हुआ हुआ था। तो फिर हमने ये लिया नहीं, बहुत डाउट हो रहे थे हमें कि क्या वजह है, कितना सस्ता, क्या वजह है, और फिर फाइलों का भी मसला ना हो, हमें डर लग रहा था, तो हमने फिर इसमें हाथ नहीं डाला। लेकिन एक वक्त तो मेरा माइंड बन गया था कि वाओ यार पोर्शन ले लेते हैं ज़बरदस्त।
दो बंदों का टेरिस, ये दो बंदों का टेरिस, टेरिस दो बंदों का। ये भी फ्लैट काफ़ी अच्छे बने हुए थे, इसका बाहर से भी अच्छा था। अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, इन्होंने खुद इलेक्ट्रिसिटी अपनी दी हुई थी, प्रोवाइड की हुई थी। इसके अलावा ये बहुत अच्छी बिल्डिंग लगी थी मुझे, लेकिन इसकी हमारी बात नहीं बनी पैसों में। कुछ ऊपर नीचे हुआ, कुछ उन्होंने लगाया वो हमें मंजूर नहीं था, हमने लगाया उनको नहीं था। तो आई थिंक 50s की लास्ट डिमांड थी क्या था, तो ये घर हमें पसंद आए थे। टू बेड ड्राइंग डाइनिंग, फिर उसने लास्ट 46 कर दिया था, लेकिन इसमें जो है 4 लाख तो ट्रांसफ़र फ़ीस थी, फिर लीज की अलग फ़ीस थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी बाद में ना बातचीत करने में, तो फिर हमने इसमें इधर नहीं दिया। और इसमें आपको पार्किंग भी अलग से 5 लाख की बाय करनी थी। तो ये सारी पॉलिसीज़ थी इस बिल्डिंग की, तो अच्छी बिल्डिंग थी नो डाउट, और गार्ड वगैरह थे, सब कुछ अच्छा था माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हमें टोटल 20 डेज हो गए हैं घर देखते देखते, कोई पसंद आ रहा है, कोई महंगा है, कोई कुछ है, तो यही चल रहा है। तो अभी आज हम फिर एक और जगह जा रहे हैं, और बस दुआ कीजिए, ये देखते हैं कैसा घर मिलता है। ये वीडियो तो मैं बाद में अपलोड करूँगी, पहले घर का टूर करा के, तो फिर देखते हैं। अभी मैं दिखा दूँगी आज कौन सा हम घर देखने जा रहे हैं, ये कुछ साइमा वालों के देखे तो वो देखने जा रहे हैं। चले मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ वो वाले घर। तो ये वाले फ्लैट है 65 लाख की, और अगर रूफ के साथ लेने तो आपकी सेपरेट रूफ है और उसके 2.5 लाख अलग चार्जेस हैं। और अच्छा बना हुआ है, साइमा अरेबियन विलाज और अपार्टमेंट्स, आई लाइक इट। वही पैसा मैटर करता है। यही यूटिलिटी स्टोर्स, हॉस्पिटल अभी बन रहे हैं, फैसिलिटी हैं, स्कूल बन रहा है, दी एजुकेटर वगैरह। चले हाँ, आप कहीं और चलते हैं, आप घर चलते हैं, आप नई मंजिल घर। हाँ क्यों, अब कहाँ जाऊँगा, घर जाऊँगा, खाना खाएंगे। वेट गाइस, आप लोग कहाँ चले, अभी मैं आपको विजिट कराती हूँ साइमा अरेबियन विलाज इन अपार्टमेंट अंदर से। ये वाला है, हाँ
अस्सलाम वालेकुम गाइस, काफ़ी डेज हो गए हैं घर ढूंढते रहे, तो आज फिर जा रहे हैं हम और वीडियो दिखाती हूँ उसकी मैं आप लोगों को। तो अभी जा रहे हैं हम घर ढूंढने और एक जगह बुलाया है, वहाँ देखें, दुआ करें बाद में मुझे। तो मैं नहीं हूँ आपके ख्वाबों वाली लड़की। हाँ मैं गाना गा रहे हैं, मेरे ख्वाबों में जो लड़की वो हो नहीं सकती। तो मैं नहीं हूँ आपके ख्वाबों की लड़की। लड़की ही। I am a girl, I am not a woman. अपन look so handsome, so handsome. Oh my god, weather is too cold. नहीं भाई, बहुत गर्मी हो रही है। Sweating हो रही है मुझे, sweating. New house. So सब दुआ कर रहे हैं जल्दी से मिल जाए, लेकिन क्या दुआ जब करेंगे तब तक मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, एंड में करूँ शायद वो भी डिपेंड ऑन माय मूड, क्योंकि आजकल मैं यूट्यूब से बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेड हुई हुई हूँ। इतनी मेहनत करो, इतना स्ट्रगल करो और जस्ट एक वीडियो के अपलोड करने पे एक सब्सक्राइबर होता है कि, और व्यूज़ तो समझे बस 100-200 इससे ज़्यादा हो ही नहीं रहे। तो मे बी दिसंबर की एंड में अगर न्यू पॉलिसी आई के सब्सक्राइबर सुनने में आ रहे हैं 4000 सब्सक्राइबर चाहिए, अभी यहाँ 1000 हो नहीं रहे सब्सक्राइबर, और ये 4000 सब्सक्राइबर की बात करें तो हम जैसे यूट्यूबर जो है ना यूट्यूब बंद कर देंगे और अच्छा खासा एक लगाऊंगी। होप सो इस दिसंबर के एंड में 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अब फ्रेंड्स हम आयशा मंजिल में आ गए घर देखने, और ये घर था आयशा मंजिल में, एक फ्लैट था, ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम और लॉन्च था, जिसकी डिमांड थी 60 लाख, वो भी फाइनल था, उससे ना कम ना ज़्यादा। और इसमें प्रॉब्लम था, पानी का प्रॉब्लम था, चौकीदार नहीं था, और बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी थी लेकिन घर बना हुआ था, तो उन्होंने डिमांड रखी थी 60 लाख। सो गाइज़ ये वही वीडियो आ गई जिसका मैं जिक्र पहले कर रही थी कि ये फार्म हाउस से भी दूर जाके था, लेकिन आप देखें अंदर से कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। अगर किसी को एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये बेस्ट प्लेस है अपना फार्म हाउस बनाना हो तो। देखें, विजिट कराती हूँ मैं आपको। अच्छा, अंदर ही इन्होंने फ्लैट भी बना रहे हैं, बैंगलो भी है अंदर ही। कितना खूबसूरत है, चले हम भी। ओह माय गॉड, खुद ही आते रहते हैं यहाँ पे, नहाते धोते पे चले जाते हैं। ऐसे ही तो मेरा सपना था, तो मेरा अपना घर है। इसके अलावा हम बहरिया टाउन भी गए थे, वहाँ से हमने प्लॉट, फ्लैट और उन चीज़ों की भी रेट्स लिए और लोन का भी उनसे पता किया, लेकिन लोन थोड़ा सूद पे चला जाता है तो वो दिल नहीं माना। और इसके अलावा बहरिया टाउन जो है, वाकई में वहाँ एक अलग दुनिया बसती है, बड़ा ही ज़बरदस्त है बहरिया टाउन। स्कूल हर चीज़ तो है वहाँ पर, सारी फैसिलिटीज़ है, और जो है एफिल टावर तक हम गए थे, काफ़ी मज़ा आया था वहाँ भी। लेकिन मुझे है ना मानो भाई लोकेशन बहुत मायने रखती है, और अगर वो बनाते दे रहे हैं, अगर वो बनाते दे रहे हैं तो मेरे पास भी बना देगा। बनवाया किसी ने अपना कोई शिफ्ट हो रहा है नीचे हो सकता है। पार्क चलो, ये रहा पार्क, क्यों डर रही है, देखा देख के तो है। तो ये बैंगलो आप उस वक्त बना सकते हो जब आप यहाँ पे प्लॉट ले लो, उसके बाद हाँ तक चलते हैं देख के आते हैं। चले अभी बैंगलो बन रहे हैं, लोगों ने अपनी ज़मीनें ले ली हैं और बस, लेकिन एक दिन वैली होगी, 240 गज के बैंगलो हैं, आई थिंक 10 साल लगेंगे इसको भी कवर।
लेकिन भाई कराची की आवाम ऐसी दिल वो बाहर आवाम है ना। अच्छा ये एक है शायद, ये दो, इन्होंने तीन घर बनाए हैं यहाँ पे। एक फ्लोर पे तीन है। ये वाला जो बैंगलो के पोर्शन है हमने ये ओएलएक्स पे देखे थे और हम गए थे विजिट करने। इसकी लोकेशन जो आ रही थी वो आ रही थी एयरपोर्ट के बैक साइड पे और लोकेशन अच्छी दिखा रहे थे, सब कुछ अच्छा दिखा रहे थे। हमने विजिट किया तो घर तो बहुत अच्छे बने हुए थे लेकिन एरिया जो था वो रेलवे के बैक साइड का एरिया था और एरिया थोड़ा सही नहीं था, काफ़ी सन्नाटा और कुछ अलग सा था, तो इस वजह से घर नहीं लिया। लेकिन मुझे घर बहुत पसंद आ रहा था। कवल और मैं यही ज़िक्र कर रहे थे कि यही वाला पोर्शन किसी और एरिया में होता तो हम ज़रूर लेते क्योंकि बहुत अच्छा बना हुआ था। इसके अलावा इसकी डिमांड बहुत ही कम थी, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। और ये पोर्शन जो है हमने दस्तगीर में देखा था लेकिन इसका जो किचन है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और वैसे भी मैं पोर्शन लेने के हक़ में नहीं थी, मुझे उनकी फ़ाइल में कुछ ना कुछ डाउट लगता है। तो ये घर भी हो चुका था रिजेक्ट लेकिन अल्लाह के फजलो करम से एक महीने की स्ट्रगल करते हुए एक एक दिन निकलते हुए घूमे फिरे और पता नहीं कितने हमने घर देखे, एक तरह से पूरा कराची देख लिया और फाइनली अल्लाह के फजल करम से बड़ों की दुआओं से हमें अपना फ्लैट मिल गया हमारा ज़ाती। तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह हमारे लिए वो घर को हमेशा फ़ायदेमंद करे और हमेशा वो फले फूले और हम खुश रहें। अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत करे और मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं अल्लाह उनकी भी तमाम जायज़ हाजातें पूरी करें, आमीन सुमा आमीन, और उनको भी ज़ाती अपना घर दें, आमीन सुमा आमीन। इसके अलावा मैंने एक सवाल पूछा था कि मेरा फ्लैट कौन से फ्लोर पे है, तो उसका जवाब मैं देने जा रही हूँ ये देखें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस ये 10th फ्लोर है, ओपन किचन, 10th फ्लोर है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है।